दोस्तों आईपीएल साल 2021 के सीजन में दो नई टीमों की एंट्री होने वाली थी, बट यहां दोस्तों अब साल 2022 के अंदर ये एंट्री हमें देखने को मिलेगी। टोटल 10 टीमें होने वाली, इनके ग्रुप्स बनेंगे और देखते हैं कैसा रहने वाला ये सीजन। काफ़ी लोग यहां एक्साइटेड भी हैं, बट कुछ एक जो ग्रुप हो कह सकते हैं वो यहां माना जा रहा है कि उनको लग रहा है कि ये वाला आईपीएल फ्लॉप होने वाला है। खैर अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, आप कमेंट करके बताओ कौन सी टीम वर्ल्ड कप उठाने वाली है, ट्रॉफी जीतने वाली है। बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम केकेआर की काफ़ी सारी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जहां दोस्तों केकेआर ओनर्स के अंदर एक बहुत बड़ा लफड़ा यहां नजर आ रहा है। क्या है ये सारी बातें आज मैं ए टू जेड सारी कवर करने वाला हूं। बट दोस्तों हमने तो इंडियन टी20 लीग में एमपीएल पर टीम बनाकर काफी सारे पैसे कमाए हैं, अब हम वर्ल्ड कप में भी टीम बनाएंगे और एमपीएल पर काफी सारे पैसे जीतेंगे। तो आप भी हमारे साथ एमपीएल पर टीम बनाओ और काफी सारे पैसे जीत लो। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों इंडियन टी20 लीग में हमने 20 से ज्यादा टीमें बनाई थी और उन टीमों ने हमें 7 लाख रुपए भी जितवाए थे। अब टी20 वर्ल्ड कप आ गया है जिसके अंदर हम मिनिमम 20 टीमें बनाकर खेलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 19 टीमें बना ली है और आप 20वीं टीम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया के मैचों के अंदर 2 करोड़ रुपए भी जीत सकते हो और मिनिमम 35 रुपए अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो तो आपको 1000 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा, जो कि शानदार बात है। विनर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो लाखों रुपए कमा चुके हैं, आप भी इसके ऊपर अपनी फोटो लगवा सकते हो पैसे जीत कर, जो कि एक अच्छा मौका है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड करो एमपीएल। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक बहुत ही मजबूत टीम है, बट यहाँ जैसे ही मेगा ऑक्शन आएगा तो पूरी टीम इधर उधर हो जाएगी। अब यहाँ मैनेजमेंट के ऊपर है, वो वापस खिलाड़ी कितने लेती है पुराने, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ। तो आपके अकॉर्डिंग केकेआर को एक पूरी ही नई टीम बनानी चाहिए या फिर कुछ ही खिलाड़ी लेने चाहिए और पुरानी टीम से कंटिन्यू करना चाहिए। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर की जर्सी को लेकर। तो यहाँ दोस्तों केकेआर की जर्सी हमने आपको पहले ही बताया था चेंज होने वाली है, बट इसके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं थी। बट यहाँ दोस्तों स्टार्टिंग ही कंफर्मेशन आ चुकी है, जैसे ही आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बस एक नई जर्सी है जो कि दोस्तों ग्रीन कलर की आप कह सकते हो, पहले थी अभी चेंज हो गई थी ब्लू कलर में। और इसके अलावा जो दिल्ली कैपिटल्स है उनकी भी रेनबो जर्सी है, वैसे ही अब केकेआर की होने वाली है एक रेट्रो जर्सी। अब इस जर्सी के अंदर क्या है, साल 2021 के अंदर आपने जो केकेआर की जर्सी देखी थी, साल 2022 के अंदर उसके हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन होंगे, बट इसके अलावा केकेआर एक और किट बनवा रहा है। जैसे कि आपने इंडिया की अगर ओडीआई मुकाबले देखे होंगे तो उसके अंदर इंडिया की भी एक रेट्रो जर्सी थी, यानी पुराने टाइप की, वैसे ही जो आईपीएल साल 2008 से लेकर साल 2011 के बीच में केकेआर की जर्सी थी उसके तहत ही डिजाइन की जाएगी केकेआर की नई जर्सी। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि आप एक्साइटेड हो केकेआर की रेट्रो जर्सी देखने में या फिर इनको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। अगली अपडेट आ रही है ओयन मॉर्गन को लेकर। तो कप्तान ओयन मॉर्गन एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान साबित हो रहे हैं, साल 2021 के फेज टू के अंदर भी बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा था। बल्ले के साथ तो नहीं चले, बट हाँ कप्तानी में इनकी जो प्लानिंग थी, जो इनके स्किल सेट था वो बहुत ही अच्छा चला। और अभी इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड अभी फेवरेट्स मानी जा रही है, हालांकि थोड़ी बहुत लड़खड़ा गई, बट यहाँ दोस्तों अभी बहुत ज्यादा फेवरेट और बहुत ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। रिसेंटली केकेआर ने भी इनको कांग्रेचुलेशन दी है और यहां केकेआर ने भी पोस्ट डाल के यहां ओयन मॉर्गन का सपोर्ट दिया है, क्योंकि अब इंडिया तो ऑलमोस्ट बाहर हो ही चुकी है, फिर भी हम इंडिया के लिए बेस्ट होप करेंगे। बट यहां उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया हमारी फेवरेट्स नहीं होती तो हम चाहेंगे कि इंग्लैंड हमारी फेवरेट्स और इंग्लैंड की टीम जीते। हालांकि दोस्तों उन्होंने पैट कमिंस के लिए भी यही बोला था, बट अब खैर देखते हैं कि ओयन मॉर्गन अपनी टीम इंग्लैंड को कहां तक ले जा पाते हैं। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि केकेआर को अगले साल भी कप्तान ओयन मॉर्गन को ही रखना चाहिए या कप्तान बदल लेना चाहिए, तो वो कप्तान कौन हो सकता है। ये अपडेट निकल के आ रही है केकेआर ओनर्स को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों यहाँ एसआरके और आर्यन खान का केस आप सभी को मालूम ही होगा, और यहाँ अब आर्यन खान को फाइनली बेल मिल चुकी है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, केकेआर के जो को ओनर है जूही चावला, वो सामने आई थी आर्यन खान के लिए और उन्होंने उनकी जो ड्यू थी, जिसको हम कह सकते हैं एक ग्रांटेड के लिए जो 1 लाख रुपीज का उनको फीस देनी थी, वो उन्होंने दी है। बट यहाँ दोस्तों किसके अंदर अभी ओनरशिप के अंदर तो कोई डिस्प्यूट नजर नहीं आने वाला है, बट दोस्तों जो इमेज को नुकसान पहुंचाया आर्यन खान की, उसके हिसाब से दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि जब मेगा ऑक्शन होगा तो उसके अंदर शाहरुख खान अवेलेबल रहने वाले हैं। अब शाहरुख खान आर्यन खान के साथ आते हैं या फिर नहीं आते हैं, अकेले आते हैं, देखते हैं, क्योंकि दोस्तों शाहरुख खान ने ये सारी टीम की मैनेजमेंट वेंकी मसूर और आर्यन खान के ऊपर सौंप दी थी, बट अब वो खुद जिम्मेदारी लेने वाले हैं। दोस्तों हमने तो एमपीएल के ऊपर टीम बना ली है और अगले मैच के लिए हमने आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा मेगा गिव अवे रखा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, एमपीएल जाकर ज्वाइन कर लो। ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी जरूर लाइक करना।